Hello friends, और आप सब कैसे हैं? मैं सानिया। आप और आप लोग का रोजा कैसे चल रहा है? रमजान मुबारक। आप लोग देख सकते हैं ईद का पाव है। तो फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी गार्डनर की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड फ्रेंड्स, आई नो आई एम लेट, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी आप लोग को रमज़ान विश करने में फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो टूट गया, आज तो दूसरी रमज़ान हो गई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैक्सिकन पेटोनिया का प्लांट है और इसमें बड़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हुई है फ्रेंड्स। देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद इतने ढेर सारे प्लांट्स में मेरे इतने फ्लावर्स में एक साथ खिले हैं इस प्लांट में। फ्रेंड्स, ये रियो प्लांट है, इसे बर्डलिली के नाम से भी जानते हैं। पर जैसे कि मैं आपको कुछ बातें आज बोलने वाली हूँ, कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि अगर लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कुछ मुस्लिम भी हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तेज़ धूप में जो है अपने गार्डन में रह जाएं फ्रेंड्स। मॉर्निंग में 6 to 7 AM तक जाएं या फिर शाम को इफ्तार करने के बाद जाएं फ्रेंड्स, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप होने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए जो है काफ़ी नुकसान करती है फ्रेंड्स। अब प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे हम इंसान हो ह्यूमन्स हो फ्रेंड्स, सबको ये धूप जो है अब जो तेज़ होने लगी है 8-9 बजे के बाद से ही तेज़ धूप होने लगी है, वो बहुत नुकसान करती है फ्रेंड्स। इसलिए चाहे आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और अगर आप अपने टेरेस पर जाते हैं फ्रेंड्स, तो 7 AM या 6 AM किसी भी टाइम, तो जो है अपने साथ जो है पानी की एक बॉटल लेकर जाइए फ्रेंड्स, और पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर पर पीती रहिए, उससे आपको थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। इतनी तेज़ गर्मी में अपने प्लांट्स के तभी तो आप अच्छे से केयर कर पाएंगे जब आप अपनी केयर अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स। तो और एक रिक्वेस्ट और फ्रेंड्स, मैं इससे पहले भी एक वीडियो में आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि जो हमारे तो फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि ये भी है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी पानी रखिए फ्रेंड्स। बर्ड्स जो हैं हमारे गार्डन में तो बहुत ज़्यादा आती हैं ना फ्रेंड्स, इतने तेज़ धूप में उड़ते उड़ते जब वो परेशान हो जाती हैं तो उन्हें पानी चाहिए होता है, तो उनके लिए भी पानी रखना ना भूलें फ्रेंड्स। इस रमज़ान में आप किसी को भी प्यासा ना रहने दें फ्रेंड्स। इस प्लांट को देखिए फ्रेंड्स, ये अपराजिता का प्लांट है और इस प्लांट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि ये बहुत लकी प्लांट होता है, इसको लगाना जो है बहुत अच्छा माना जाता है घर में, इस पर जो है आपके घर में लगाने से काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी खुशियां आती हैं घर में। इसे अपराजिता के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसमें ब्लू बेल की तरह ही पर्पल कलर की बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग होती है। ये है हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट फ्रेंड्स, देखिए आप कितना बढ़िया प्लांट है, और ये जो है काफ़ी बड़ा प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसको आप ब्यूटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, हर तरह से ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। इसकी बात तो ये प्लांट जो है ये हमारा एलमेंडर का प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें अभी सुबह है ना, ये देखिए ये फ्लावर्स खिल चुके हैं, इसे ये तोड़ देते हैं यहाँ पर से, और ये जो है अभी खिलेंगे फ्रेंड्स ये दोनों। ये देखिए ये यहाँ पर पूरी में इसमें बर्ड्स आई हुई हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इसे भी लगाइए। देखिए कितना तेज़ गर्मी में इतना हरा भरा प्लांट है हमारा। ये जो है हमारा एरेलिया का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा प्लांट है, इसके लीव्स बहुत प्यारी होती है और जितने भी बड़े पॉट में लगाएंगे पूरा कवर कर लेगा। ये इस प्लांट की बात करिए तो ये डेविल्स बैकबोन के नाम से या फिर ज़िगज़ैग प्लांट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इसी की तरह होता है, जितने बड़े पॉट में लगाइए पूरा कवर कर लेगा। जो शेप आप इस प्लांट को देना चाहिए वो शेप आप इस प्लांट को आसानी से दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसको देखिए, ये है हमारा थंबर जो का प्लांट, इसमें भी पर्पल कलर की बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। ये इसको आप जितने ऊपर जाएँ उतने आराम से चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ये गुलदौदी का प्लांट है फ्रेंड्स, क्रिसैंथेमम्स का प्लांट। पीछे तो सब आपको रोज़ प्लांट्स देखने को आसानी से मिल सकते हैं फ्रेंड्स, देख रहे हैं जितना है सब के सब रोज़ प्लांट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है बस आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे भी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये प्लांट जो है मैं दिखा रही हूँ ये सिंगोनियम का प्लांट है, और पीछे जो है वो आप अम्ब्रेला ट्री के नाम से या फिर शेफलेरा के नाम से भी जानते होंगे फ्रेंड्स।
और उसके पीछे जो ये प्लांट है, ये इसे विक्टोरिया के नाम से भी जानते हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी कह लीजिए या ड्रेसिना की वैरायटी कह लीजिए। अब मैं कह नहीं सकती कि मुझे जिसके भी वीडियो देखो, जिससे भी पूछो, अलग एक नाम बताता है, वैसे विक्टोरिया नाम मैंने ज़्यादा सुना है इस प्लांट के लिए। और जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से फ्रेंड्स के, ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, उसने तो मुझे मनी प्लांट की एक वैरायटी कह के दे दिया था, मैंने नाम पूछा उसने बताया नहीं, तो अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर से बता दीजिएगा फ्रेंड्स मुझे। तो फ्रेंड्स बाय बाय, अपना और अपने प्लांट्स का अच्छी तरह से इस तेज़ गर्मी में ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।